सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी थोड़ा सा वॉइस ज़्यादा आ रही होगी इधर उधर की, क्योंकि मैं अभी ना बालकनी में बैठी हुई हूँ, तो शाम का टाइम है, वैसे माता रानी का टाइम है, तो इधर उधर। और मुझे पता है अभी यॉनिंग से आ रही है, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा नींद ली हूँ इसलिए। तो आज है सेकेंड डे नवरात्रि का, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता रानी करे सभी की लाइफ और वेल्थ सबकी अच्छी रहे और हमेशा खुश रहें। एंड अभी ना एकदम शाम का टाइम हो रहा है और सो के उठने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चाय पीना चाहिए यार। तो जाके चाय पीती हूँ, बनाती हूँ। एंड एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ बताना है आप लोगों से, तो बस लास्ट तक बने रहना। इसके पहले ना मुझे कुछ दिखाना भी है, बताना भी है आप लोगों को, तो पहले मैं चाय पीऊँगी इसके बाद, क्योंकि अभी ना मेरी हालत ऐसी, मैं एक्टिव टाइप की नहीं हुई हूँ कि हाँ। वीडियो बनाने के लिए तो पहले मैं चाय पीऊँगी। तो गाइस, ये है मेरी अलमारी, जो कि बहुत मतलब बड़ी भी नहीं है, बहुत ही आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना सूट का कलेक्शन दिखाऊंगी। वैसे मेरे पास ना बहुत एकदम बहुत ज़्यादा वाला कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं सूट नहीं पहनती हूँ, मैं बहुत कम सूट पहनती हूँ। इवन मैं ऑफिस में भी ना बहुत कम सूट पहनती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना सूट पहनना वो ऐसा ऑक्यूपाई वाला चीज़ें मुझे लगती हैं कि यार सूट पहनो, फिर अच्छे से तैयार हो और फिर एकदम प्रॉपर वाला जाओ ऑफिस और ऐसा। और तो मैं इसीलिए फिर पैंट और फॉर्मल शर्ट पहनती हूँ, क्योंकि पैंट में अच्छे से अपना हेयर सेट कर लो एंड चले जाओ ऑफिस, उसके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। और सूट के लिए मेरे माइंड में ऐसे रहता है कि एकदम प्रॉपर तैयार होके जाना चाहिए, तो मैं बहुत कम जाती हूँ। मतलब साल में ऐसा हो सकता होगा कि दीपावली के टाइम पे, जब धनतेरस वगैरह होता है, तो उस टाइम पे ट्रेडिशनल डे होता है ऑफिस में, तभी मैं एक साल में एक बार, एक आधी बार पहनती हूँ। और ये है, अगर इसकी हालत देखेंगे तो बहुत बेकार हालत है इसको। गाइस, ये मैं आप लोगों को अब कलेक्शन दिखाती हूँ ना, अच्छे से मैं इनको बना भी लूँगी, क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें ना, जैसे ये कुर्ती मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, मतलब सिर्फ ला के रखी हुई है, और मतलब जब लाई थी ना तभी मैंने ट्राई किया था, और मैंने कहीं भी नहीं पहना अभी आज तक इसको। तो काफ़ी अच्छी है, वाइट कलर की है, तो कुछ एक ये है जो एकदम न्यू है, एक ये है जिसको मैंने सिर्फ एक आधी बारी पहना है, एक बारी पहना है, ये भी ऐसी पड़ी हुई है, एक ये हो गई जिसको भी मैंने उतना ज्यादा नहीं पहना, कम ही पहना है इसको, ये हो गई। बहुत प्यारा सा कुर्ता है, लेकिन इसके सिर्फ पैंट है, क्योंकि जो कुर्ता है वो बनने के लिए दिया हुआ है, नीचे थोड़ा सा छोटा हो गया था। और एक जो ये कुर्ती है ना, इसका मैंने अभी तक टैग तक नहीं निकाला, मतलब मुझे 1 ईयर हो गए होंगे, हाँ 1 साल हो गए होंगे जो मैंने मुझे लिए हुए, बट अभी तक इसका टैग नहीं निकला। बट काफ़ी सुंदर कुर्ती है, मैंने कहीं भी नहीं पहना इसको, इसके जो वर्क है ना ये बहुत प्यारे हैं, और बट मैंने नहीं पहना है अभी तक इसको, इसका टैग भी वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। ये बहुत सुंदर लगती है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले लिया था। इसका जो पैंट है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये नीचे ऐसा पिंक कलर का है, बहुत प्यारा है। मेरे भाई ने दिलाया था मुझे राखी पे, जब उसकी फर्स्ट जॉब लगी थी, मतलब जब जॉब लगी थी पहली बार, तब उसने मुझे दिलाया था, तो बहुत सुंदर सा सूट है, एकदम सिंपल सा। एंड ये दूसरा सूट जो कि बहुत सुंदर था यार, लेकिन ये भी टेलर में बनने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसका कुर्ता मैंने स्टिच करवाया था, और ये दोनों जो ब्लू है ना, और ये मेरे एंगेजमेंट के सूट हैं, तो ये दोनों के कुर्ते उसने छोटे कर दिए थे लेंथ में, तो वो मैंने उसको बनने के लिए दिया है। और चुनरी भी काफ़ी सुंदर है इसकी, तो इसका ये
लास्ट। हाँ लास्ट है, मतलब बाकी और भी है यार, मतलब रखे हुए हैं नीचे। और ये जो सूट है ना, ये बहुत प्यारा सा सूट है यार मेरा, मतलब बहुत ही प्यारा है, इतना लाइट वेट सूट है और काफ़ी सुंदर है, मतलब बहुत प्यारा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल सूट है और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैंने सिर्फ एक बार पहना हुआ है, उसमें भी मैंने कब पहना है इसको, सिर्फ एक ही बार पहना है सावन में, जब फास्ट थी, हाँ जब फास्ट थी तभी मैंने पहना है इसको। बहुत प्यारा सूट है जैसा है, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, एकदम लाइट वेट है, बहुत सॉफ्ट सी है इसकी चुन्नी। और हर जगह ये नीचे इसमें रगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और बहुत कवाड़ा पड़ा हुआ है, बट ठीक है अभी इसको साफ करेंगे। तो इतने सारे हैं मेरे पास सूट, एक एंड दो हुआ एंड तीन फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब तीन तो कुर्तियाँ हैं बट फाइव ऐसे सूट्स हैं। तो ये सब मैं अच्छे से रखूँगी बना के, एंड मेरा एकदम छोटा सा कलेक्शन आप लोगों को सूट का कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बस आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने क्या बोला था मैं बताऊँगी, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यार अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवम्बर एंड दिसंबर सिर्फ 2 महीने बचे हैं यार। और ये जो मेरा मैं वीडियो बना रही हूँ ना इस चैनल में, दो बार ऐसा हो गया कि कभी वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट थे, कभी सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ तो वॉच टाइम नहीं कंप्लीट था, तो दो बार ना मोनेटाइज होते होते मेरा चैनल रुक गया। तो प्लीज़ 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 मैं इस बार यार नहीं करना, 2 साल से इस चैनल पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मैं इस बार चाहती हूँ कि दिसंबर के अगर पहले पहले ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं फिर से मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बहुत सपोर्ट करो, एंड प्लीज़ लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए और हमारी मेहनत भी रंग लाए, प्लीज़। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर दिसंबर में मेरा चैनल नहीं मोनेटाइज हुआ तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी।